हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा में। फ्रेंड्स, चेहरे पर झाई हो जाना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है और अगर हो जाती है तो उसका जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ नेचुरल 100% सेफ रेमेडी, जिसे यूज कर आप अपने चेहरे के डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को आप लाइट कर सकते हो। लेकिन आपको 2-3 बार यूज करने के बाद रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन की समस्या है तो आपको कंटिन्यू कम से कम 15 दिन यूज करना होगा, तो आप देखेंगे आपकी झाइयाँ आपको लाइट होते हुए नज़र आएंगे और साथ ही आपके चेहरे पर चमक ग्लो भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आप बिल्कुल बेहिचक यूज कर सकते हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे चेहरे पर अगर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, धब्बे आ जाते हैं तो हम जल्दबाजी में कुछ केमिकल वाली क्रीम को ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी झाइयाँ रिमूव हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि हमारी झाइयाँ और भी डार्क हो जाती हैं। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये लाइट हो रही है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे और भी डार्क दिखने लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस रेमेडी को आप कंटिन्यू यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको आपके रिलेटिव में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं रेमेडी को। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो होता है हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव करता है, साथ ही आपकी स्किन टोन को निखारता है। और इसके बाद मैं इसमें यूज करने वाली हूँ नीम के पत्ती का पाउडर। अगर आपके पास नीम की पत्ती का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश नीम को भी पीस कर ले सकते हैं। नीम की पत्ती जो होती है कैसे भी दाग धब्बे हो उसको रिमूव करता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपके चेहरे पर कील मुहासे पिंपल्स आने से रोकेगा। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी आप इस पैक को लगा सकते हो। और इसमें मैं कस्तूरी हल्दी 1/2 टीस्पून यूज की हूँ। कस्तूरी हल्दी आपके चेहरे को फेयर करता है, ब्राइट बनाता है। और यहाँ पर मैं यूज़ की हूँ फ्रेंड्स चंदन का ऑयल। अगर आपके पास चंदन का ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल अक्सर होता ही है सबके पास, और इसे हम कर्ड में बनाएंगे। और नहीं तो आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, बादाम का तेल, ये भी काफ़ी हमारे चेहरे के लिए अच्छा होता है। आपके चेहरे को ब्राइट बनाता है और साथ ही आपके चेहरे को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। और इसे हम कर्ड में बनाएंगे फ्रेंड्स। कर्ड जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है, लैक्टिव एसिड होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, आपके चेहरे के डेड स्किन को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम अपने क्लीन चेहरे पर इसे लगाएंगे, यानी कि मेकअप वगैरह नहीं रहना चाहिए। आप फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को क्लीन ज़रूर करें फ्रेंड्स। और उसके बाद इस पैक को अप्लाई करना है कम से कम 15 मिनट। अगर आपका ये पैक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप इसे फिर से वाटर की मदद से गीला कर लीजिएगा। अगर नहीं तो जो है फ्रेंड्स, आपका 10% गीला ही रहे पैक, उसी टाइम आप इसे मसाज कर लीजिएगा। मसाज कम से कम 2 मिनट कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट दीजिएगा। मसाज का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और ये पैक अगर कंटिन्यू आप 15 दिन लगा लिए तो 100% आपके चेहरे के कैसे भी दाग धब्बे हो, डार्क स्पॉट हो, पिगमेंटेशन हो, आपको लाइट होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो भी आप इस पैक को लगा सकते हो। और नहीं भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप लगा सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका चेहरा काफ़ी क्लीन और क्लियर रहेगा, आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं आएंगे, ना तो आपके चेहरे पर दाने आएंगे, पिंपल्स एक्ने जैसे होते हैं। उसके बाद चेहरे को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, और हमने वॉश कर लिया है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग, आपके चेहरे पर निखार भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है तो ही आप इस पैक को लगाओ। अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हो तो भी आप इस पैक को लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये रेमेडी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को ये वीडियो, ये रेमेडी
हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपको ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।